दोस्तों ये वाला जो हमारा मोटर है इसमें काफ़ी स्पीड से पानी लीकेज हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस पंप की जो लीकेज प्रॉब्लम है वाटर की, इसे सॉल्व करेंगे। और इसमें जो दोस्तों लीकेज को रोकने के लिए ऑयल सील लगता है उसको किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे वाला जो कूलिंग फैन होता है इसके कैप को खोल लेंगे कुछ इस प्रकार से। खोलने के बाद इसे बाहर निकाल के, और इसमें गंदा होगा तो सफाई कर देंगे। तो देखिए हमने खोल दिया, अब कूलिंग फैन को भी खोल लेंगे। इसमें जो पिन होता है उसके बाद छेनी हथौड़े से हल्के हल्के चोट मार के इसके कूलिंग फैन भी खोल लेने हैं आपको। कूलिंग फैन खोलने के बाद दोस्तों अच्छे प्रकार से ब्रश मार के इसको सफाई कर देना है। अगर गंदा होता है आपके मोटर तो आप उसे सफाई कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे कि हाँ हमारा मोटर सर्विस हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो चार बोल्ट हैं दोस्तों, इन चारों बोल्टों को आपको खोल लेना है। तो चलिए हम फटाफट से इन सारे बोल्टों को खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको छेनी हथौड़ा लेना है, और छेनी हथौड़ी लेने के बाद यहाँ पर रख के दोस्तों जहाँ पर गैप होगा हल्की हल्की चोट मारना है। अगर छेनी हथौड़ा से नहीं निकलता है तो कोई ठोकने वाला पेचकस होगा, वो पेचकस डाल के हल्की हल्की चोट मारेंगे तो ये आपका इम्पेलर वाला सेक्शन बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि हमने इसे खोल लिया है, और इसे खोल के साइड में रखते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार के अंदर में इम्पेलर लगा होता है। बहुत सारे मोटर में दोस्तों प्लास्टिक का इम्पेलर होता है, बहुत सारे में एमएस का इम्पेलर होता है। तो हम इम्पेलर को खोल लेंगे पाने के मदद से और स्क्रू ड्राइवर से लॉक करके। दोस्तों अगर आपके इम्पेलर प्लास्टिक की है तो आप इस प्रकार से इम्पेलर को ना खोलें। ये हमारा लोहे का है इसीलिए मैं इस प्रकार से खोल रहा हूँ। तो पेचकस से लॉक करके इम्पेलर को खोल लेंगे, बहुत ही ध्यान से खोलेंगे ताकि इम्पेलर आपका टूटे ना। अगर दोस्तों प्लास्टिक का होता है तो उसे खोलने का तरीका अलग होता है, पाइप रिंच पीछे में पकड़ के तब हम लोग खोलते हैं। तो ये हमने दोस्तों इम्पेलर में जो नट लगे होते हैं उस नट को हमने खोल लिया है। अब इस इम्पेलर को बाहर निकालेंगे। इसमें एक वाशर भी होता है, उसे भी आपको निकाल के और सारे पार्ट्स को संभाल के रखने हैं। उसके बाद दोस्तों पुलर लेंगे और पुलर को लगाएंगे। पुलर लगाने के बाद इम्पेलर को जैसे जैसे टाइट करेंगे पुलर को, आपका इम्पेलर बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर इम्पेलर बाहर निकल गया है। दोस्तों आप इसमें ध्यान रखेंगे और मार्किंग कर देंगे कि कौन सा साइड अंदर था कौन सा साइड बाहर था। वैसे तो दोस्तों ये जो गैप वाला होता है ये हमारे बाहर की तरफ रहते हैं। उसके बाद इसमें एक फाइबर सील होता है, मतलब कि वाशर टाइप, इसे भी निकाल के और संभाल के रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो सीले लगे हुए हैं उस सीलों को भी पेचकस से निकाल लेंगे, ध्यान से निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि फट जाता है तो कई बार ये होता है कि नंबर इसमें दिखता नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बचा कर निकालना है। तो देखिए हमने सीले निकाल लिया, हमारे ये सीले ऑलरेडी सड़ गए हैं पूरा, और निकालते टाइम ही टूट टूट कर गिर रहे थे। तो चलिए हम अब दूसरे वाले जो सीले होते हैं उसको भी बाहर निकाल लेते हैं पेचकस के मदद से। आप देख रहे हैं कि ये सीले हमारे निकालते टाइम टूट टूट के गिर रहा है। तो जो अंदर में होते हैं दोस्तों उसे भी पेचकस के मदद से बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला सील हमारा अंदर में लगा हुआ है। दोस्तों इसमें जो सीले लगा हुआ है ये ओपन सील है, और ये दोस्तों पूरा बिल्कुल तरह ही ख़राब हो चुका है। बहुत सारे हम लोग मोटर खोलते हैं तो उसमें सीले थोड़े बहुत अच्छे भी रहते हैं, लेकिन इसका हालत इतना बुरा है कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, और कैसे पानी लीक हो रहा था आप वीडियो के फर्स्ट में ही देखे थे दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके सीले मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। इस पर नंबर लिखा होता है, अगर आपको नंबर नहीं दिखता है तो आप दोस्तों साथ में सीले लेके जाएंगे और सील के दुकान पर जो दुकानदार होगा वो मेजरमेंट करके आपके सीले दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना सील खरीद के लेके चले आए हैं। ये हमारा दोस्तों ओपन सील 18 नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर लिखा होता है, बहुत छोटी अक्षर में लिखा होता है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो चलिए हम सबसे पहले ये वाला फिट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि पेचकस से जहाँ पर ये सीले बैठता है अगर वहाँ पर कचरा लगा होगा तो उसे खुरच के अच्छे प्रकार से सफाई कर देंगे ताकि आपके सीले अच्छे प्रकार से फिट है। तो हमने सफाई कर दिया। अब हम दोस्तों ये जो हमारा वाशर वाला सील है इसको हम फिट करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से आपको फिट करना है, और जो सलाटे थी उसमें आपको फिट कर देना है। उसके बाद हल्की सी पाइप रख के हल्के हल्के चोट मारना है हाथ से तो चले जाएगा, नहीं तो एकदम हल्के शॉट मारने हैं हथौड़े से,
तो एकदम जगह पर जाकर फिट हो जाएगा। तो देखिए हमारा फिट हो गया। अब जो दूसरा वाला है दोस्तों, वो वाला लगाएंगे जो इसमें पत्ती लगाया होता है। पत्ती को बाहर की तरफ रखेंगे, रबर वाला सेक्शन अंदर की तरफ रखेंगे, कुछ इस टाइप से। रखने के बाद ये जब दोस्तों आप लगाएंगे तो इसका ऊपर से एक पतला सा सील बाहर आ जाएगा, तो उसको भी अच्छे प्रकार से उंगली से अंदर को डाल देना है। अगर दोस्तों आप उंगली से नहीं डाल पा रहे हैं तो पेचकस लेके और दबा दबा के इसको बैठा देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये हमारा सिले बैठ गया, और मोटर को भी घुमा के देखते रहेंगे कि आपका मोटर जाम तो नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसको फटाफट से लगा लेते हैं और हल्की सी पाइप रख के हल्की सी चोट मार देंगे ताकि थोड़ा बहुत गैप हो और गैप ख़त्म हो जाए। तो हमने यहाँ पर सिले लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने वाशर निकाला था प्लास्टिक वाला, इस वाशर को लगा देंगे ताकि हमारा सिले एकदम प्रॉपर फिक्स हो जाए। वाशर निकालने के बाद इंपेलर फिट करने के लिए यहाँ पर की होता है, उस की को भी डाल देंगे और डाल के हल्की सी चोट मार के उसको बैठा देंगे। तो चलिए हमने की बैठा दिए, अब हम इसमें इंपेलर को फिट करेंगे। जो चाबी का स्लॉट है उसे मिलाकर, और ये वाला सेक्शन हमारा अंदर की तरफ था तो हम यहाँ इसको अंदर की तरफ लगाएंगे। तो चलिए हम इंपेलर में, अगर दोस्तों कचरा होगा तो आप उसे साफ़ कर लेंगे। तो चलिए हम अपने इंपेलर को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो देखिए हम अपना इंपेलर चाबी के साथ मिला के और हल्के हल्के हथौड़ी से चोट मारेंगे तो आपके इंपेलर चले जाएगा। उसके बाद दोस्तों चोट मारते रहना है और घुमा के मोटर को देखते रहना है कि आपका मोटर जाम ना हो जाए। तो फाइनली हमारा ये इंपेलर इसमें फिट हो चुका है। अब हम इसमें से जो वाशर और नट निकाले थे उस वाशर नट के साथ इसे टाइट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाशर डलेगा, उसके बाद इसमें जो नट होता है दोस्तों वो लॉक वाला नट होता है, तो उस नट को आपको अच्छे प्रकार से टाइट कर देना है। और जैसे आप पेचकस फंसा के खोले थे उसी प्रकार से पेचकस फंसा के इसे टाइट कर देंगे और मोटर को घुमा के देखते रहेंगे। तो हमारा ये मोटर सही है, जाम नहीं है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जेन सीट लगता है ना, इसको अच्छे से खुरच के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फट गया है। हम ऐसा ही फिट कर देंगे तो लीक होने लगेगा। तो देखिए हमने खुरच के साफ कर दिया, और इस पर से भी खुरच के अच्छे प्रकार से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एना बॉन्ड लेना है और एना बॉन्ड चारों तरफ लगा देना है ताकि लीकेज होने के चांसेस थोड़ा बहुत जो हो वो एकदम लीकेज होने के चांसेस ख़त्म हो जाए। जैसे कि ईयर लीक होता है तो पंप पानी नहीं उठाता है, तो हमने एना बॉन्ड इसमें लगा दिए हैं और जो कचरे हैं वो भी साफ़ करके, और कुछ इस प्रकार से बिल्कुल आपने जैसे खोला था दोस्तों बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इसे फिट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ फिट कर दिए, वाशर और नट साथ में लगाएंगे और लगाकर इसको बराबर बिल्कुल टाइट करेंगे। जैसे कि दो चूड़ी एक नट को टाइट करना है, फिर दूसरे नट को दो चूड़ी, फिर दूसरे नट को दो चूड़ी, ऐसे कर करके बिल्कुल आपको बराबर टाइट करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो इंपेलर वाला असेंबली है बिल्कुल अच्छे प्रकार से फिट होगा, और थोड़ा सा भी चांसेस नहीं रहेगा लीकेज होने का। जो एयर लीकेज होता है तो चांसेस नहीं रहेगा। तो देखिए हमने टाइट कर दिया। अब जो एना बॉन्ड हमारा बाहर की तरफ निकला है इसको अच्छे प्रकार से मिला के इसी पर चिपका देंगे ताकि लीकेज एकदम ना हो। अब इसके बाद हम लोग कूलिंग फैन को टाइट करेंगे, इसमें जो ड्रिल मारा हुआ था सुराख को मैच करके टाइट करेंगे, और जो पीने दोस्तों हमने खोला था ये वाले पीने हम लोग इस पर रख के हल्की सी पिलास से या हथौड़ी से चोट मार के इसको अंदर की तरफ डाल देंगे। दोस्तों पीने डालने के बाद आपको पिन को फैलाना नहीं है, बस डाल के आपको छोड़ देना है, ये टाइट होता है नहीं निकलेगा। अगर फैला देंगे तो जो कूलिंग फैन का कवर है कैप है उसमें लड़ेगा तो कट 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 आवाज़ आएगा, इसलिए हमने डाल दिया। हमारा पिन यहाँ पर फंस गया और कूलिंग फैन हमारा प्रॉपर फिट हो गया, हमारा मोटर भी सही से घूम रहा है। उसके बाद जो इसका कैप होता है इसको हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं सफाई करके। कैप में अगर गंदगी होगी तो उसे सफाई कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हमारा मोटर कंप्लीट फिटिंग हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने मोटर के वाटर लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं घर पर ही बहुत आसानी से, जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।